सभी के लाइफ में कुछ न कुछ ड्रीम होते हैं, जिसमें से मेरा भी एक ड्रीम था गोवा जाना, जो फाइनली आज कंप्लीट होने जा रहा है वो ड्रीम। तो आज जो है मेरा टूर ये गोवा का है और गोवा का सीरीज बनेगा, और जिसमें आप लोग को पूरा एंजॉय के साथ वीडियोज़ दिखाएंगे और पूरा डिटेल दिखाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। सो अभी है हम वापी स्टेशन पे, और अभी जो है देखे आप लोगों ने पापा मुझे छोड़ के यहाँ पे गए हैं स्टेशन पे। तो यहाँ से जो है अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक दोस्त भी है जो कि मेरे बचपन का मित्र है, और ये इधर खड़ा है। सो अभी हम दोनों ने प्लानिंग किया है कि गोवा चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। गोवा जो कि उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मदगांव, और वहाँ का एक और थिवीम रेलवे स्टेशन है, तो दोनों रेलवे स्टेशन है। तो देखते हैं जहाँ पे अभी मतलब ठीक ठाक रहेगा माहौल वहाँ पे उतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रात में उतरेंगे तो कुछ आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और मेरे साथ एक दोस्त भी है मेरा उधर है। तो अभी जो है यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और यहाँ से अभी ट्रेन है 8 बजे दिन में, जो कि मैं इस वीडियो में जो है मतलब इस ट्रेवल सीरीज में जो है एकदम धमाकेदार वीडियो सब लाऊँगा, और पूरा गोवा का जो है ट्रेवल आप लोगों को कराऊँगा एकदम शुरू से अंत तक। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो है अभी से ट्रैवल सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक गोवा का ट्रैवल चलेगा मुझे लगता है कि 15 तो वीडियो एटलीस्ट बन ही जाएंगे। तो मैं A to Z इन्फॉर्मेशन गोवा का पैसा, ट्रैवल, मतलब हर कुछ, फूड जो भी है सब कुछ कैप्चर करने का कोशिश करूँगा, और देखते हैं। कहाँ हूँ देख सकते हो आप लोग, आप लोगों ने बॉलीवुड का एक सीन सुना होगा, पहले वो सुन लो। लेकिन ऐन वक्त पे वो क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये है पनवेल, और यहीं पे हैं अभी, और यहाँ पे अभी बड़ा पाँव लिए हैं तो अभी खाते हैं, और ये पनवेल का सीन है, और इसके बाद अब 200 किलोमीटर बाद ही ट्रेन रुकने वाली है। तो अभी है हम ट्रेन में, और ये देखो पूरा सा ट्रेन खाली है, एकदम साफ, पूरा पूरा खाली है। और व्यू की बात करें तो आप लोग देखना, और उसके बाद जो है यहाँ से पहुँचेंगे शाम में 9 बजे के आसपास गोवा। तो ये जो है व्यू है यहाँ का, बारिश 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 या। तो अभी जो है पहाड़ी के अंदर अंदर नीचे नीचे जो है हॉल बना है, जिससे अभी ट्रेन पास कर रहा है, और ये लगभग 2 मिनट से ज़्यादा लग गया इसको पार करने में, जो कि इतना फुल स्पीड में, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्पीड होगा इसका। और ये खूबसूरत नज़ारा है मानसून का, इधर देख सकते हो इतना ज़्यादा बारिश में एकदम मस्त नज़ारा है, देख सकते हो। ओ हो भाई, मतलब पूरा पहाड़ ही पहाड़ और बारिश ही बारिश एकदम चारों साइड से, भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो, ट्रैवलिंग का मज़ा मानसून में। पर नज़ारा कभी देखे थे? ये देखो पूरा एकदम बारिश बारिश, उधर सुरंग से अभी ट्रेन निकला है, और इधर जो है अभी रुका हुआ है, और इस टाइप से भी पहाड़ी है ही, पहाड़ी पूरा है, और बारिश के कारण जो पूरा देख सकते एकदम पानी ही पानी गिर रहा है पूरा सा एकदम गजब। पहुँचे हैं रत्नागिरी, जो कि देख सकते हो ये रत्नागिरी स्टेशन है यहाँ पे, और यार मतलब माहौल है इस जगह का यार, उधर पूरा चारों तरफ हिल था, और ये सामने है रत्नागिरी, रत्नागिरी और रत्नागिरी का ये चाय। रत्नागिरी जंगल के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, रत्नागिरी जंगल जो है बहुत बड़ा जंगल है और बहुत बड़ा पहाड़ी है यहाँ पे, तो ये जंगल देख सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, सो फाइनली अभी थिवीम पहुँच गए हैं, और इधर है अभी ट्रेन रुक रही है, तो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, थिवीम स्टेशन है देख सकते हो, पूरा सुनसान सा, अंधेरा अंधेरा सा, तो अभी चलते हैं बाहर। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसको पार करके है उस पार जाना है, तो ये ट्रेन अभी उतरे हैं यहाँ से, और इस ब्रिज पे चढ़ के उस साइड जा रहे हैं 1 नंबर प्लेटफार्म के साइड, और वहाँ से फिर बाहर निकलेंगे। तो ये इस टाइप का सीन है कुछ, यहाँ रात के अभी 9-10 बजे के आसपास का टाइम है,
और कुछ ज़्यादा लोग अभी नहीं उतरे हैं क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, अगस्त है यहाँ पे, नवंबर से सीज़न स्टार्ट होता है इसलिए। तो अभी चलते हैं उस साइड। सो अभी जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने रोक लिया और निकलने नहीं दिया। यहाँ पे जो है अभी कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज भी नहीं लिया है तो उनको टेस्ट करवाना पड़ता है, और जब निगेटिव आता है उसके बाद ही इंटर करने देते हैं। तो यहाँ पर अभी लाइन में लगे हैं और अभी टेस्ट करवाते हैं यहाँ से, फिर अंदर जाएंगे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो अभी बारी बारी से सबका टेस्ट हो रहा है, तो देखते हैं कब आते हैं अपना बारी। थारा भाई जालिम को, थारा भाई जालिम को गोवा वालों ने रुलाया है, देख लो गोवा वालों, याद रखो एक दिन। सो ये मेरे बैक साइड में जो है थ्रीम रेलवे स्टेशन है, और अभी यहाँ पे जो है खाना खाए हैं, और इसके जस्ट बगल में जो है एक गेस्ट हाउस, वही गेस्ट हाउस लिए हैं अभी। तो गेस्ट हाउस का जो है पूरा डिटेल आपको बाद में देंगे, तो अभी चलते हैं रूम, मतलब वही रूम में गेस्ट हाउस जो लिए एक छोटा सा। सो फाइनली अभी जो है एक गेस्ट हाउस मिल गया था, तो उसी गेस्ट हाउस में है, तो अभी पूरा बात आप लोगों को बता रहे हैं। देखो जब गोवा, मतलब जब पहुँचे यहाँ पे, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन थिवीम था। तो थिवीम पहुँचने के बाद जो है यहाँ पे हुआ मेरे साथ कि जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए रोका गया, मतलब जिसके पास अगर सेकेंड डोज का भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट था तो उसको जाने दिया जा रहा था, और जिसके पास नहीं था तो उसको वहाँ पे टेस्ट कर रहे थे। RT-PCR कोई टेस्ट है कोरोना का, वही। तो जिसके पास अगर वो टेस्ट था 72 आवर्स पहले का, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं था। दो ऑप्शन था, या तो आप मतलब पहले से चेक करवा के आए हो, या फिर आपके पास दोनों डोज का वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो। तो मेरे पास तो दोनों में से कुछ नहीं था, फर्स्ट ही डोज लिए थे। तो फिर वहाँ पे रोक के उन्होंने 250 रुपया 250 रुपीज़ जो है चार्ज किया, और उसके बाद जो कोरोना टेस्ट किया, फिर उसके बाद बाहर निकलने दिया वहाँ से। तो सभी के साथ ऐसे कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 250 ही ले रहे हैं, क्योंकि फ्री में भी होता है टेस्ट ये तो गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे तो मुझे पता नहीं था। अब सब करवाए तो करवाना पड़ा। उसके बाद जो है जब बाहर आए तो बहुत ज़्यादा मतलब रात हो चुका था, जिसकी वजह से बस वगैरह बंद था, तो यहीं पर अब रुकना था थिवीम में। थिवीम एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ से आपको फिर गाड़ी पकड़ के अलग पंजी जाओ, या फिर बीच बागा जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ। तो इस टाइप से भी एक गेस्ट हाउस लिया है छोटा सा, तो इस गेस्ट हाउस का जो है ओनली 350 पड़ा है, मतलब बहुत सारा रूम था तो इसका जो थोड़ा कम मतलब पड़ा, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चला, और अभी खोज के मतलब थोड़ा अंदर आके खोजे, उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पे नाइट स्टे करना था। सो आप लोगों को जो है गोवा सीरीज़ का जो है ये फर्स्ट वीडियो था, कैसा लगा? और अभी से जो है रेगुलर वीडियो जाएंगे, हर छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, चुके हैं इसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और एक बात, आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन मतलब कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, मतलब इसमें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन जो है पर्सनली क्वेश्चन है, जो कि प्राइवेट टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। आपका हर एक क्वेश्चन, मतलब गोवा में अगर आप आते तो क्या करते, और क्या करना चाहते हो, या फिर क्या देखना चाहते हो, वो कुछ भी हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको दिखाऊंगा। बाय, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।